हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार आईपी टेक स्कूल से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां हम सीखते हैं कंप्लीट रिपोर्ट ऑटोमेशन। तो हमारी पैथन की सीरीज चल रही है, तो पैथन की सीरीज में हम बात करेंगे आज आपके साथ किसी मॉड्यूल के बारे में कि मॉड्यूल क्या होता है और पिप क्या होता है। तो लास्ट टाइम में हमने बताया कि किस तरह से हम अपना किस तरह से हम अपना पैथन को इंस्टॉल करते हैं, किस तरह से इसको रन करते हैं। हमने एक आपको प्रोग्राम भी बना के बताया था, प्रोग्राम को कैसे रन करते हैं वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन इसमें हम बात करेंगे आपके साथ सबसे पहले कि हम बिना प्रोग्राम लिखे हुए भी डायरेक्ट कैलकुलेशन और डायरेक्ट अपनी प्रोग्रामिंग को रन कर सकते हैं किसके ऊपर। पावर सेल के ऊपर, तो हम पावर सेल ओपन करते हैं, विंडोज पावर सेल। अब विंडोज पावर सेल ओपन करने के बाद हमें इसमें कुछ नहीं करना है, हमें जस्ट टाइप करना है पाइथन। पाइथन टाइप कीजिए, कुछ इस तरह का आ जाएगा। अब इसे मान लीजिए कि मैं 2+2 करके एंटर मारूंगा, तो रिकॉर्ड यहाँ देखिए 4 आया। मैं यहाँ पे 4 × 8 करता हूँ, 45 × 8 करता हूँ, तो रिजल्ट आ जाएगा। और यहीं पे अगर यहीं पे कुछ और करना चाहते हैं, कुछ और लिखना चाहते हैं, यहीं पे लिख सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट और यहाँ पे हाय, यहीं पे इस तरह से डायरेक्टली जो प्रोग्राम आपका होता है वो डायरेक्टली प्रोग्राम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। सॉरी, प्रिंट का स्पेलिंग मिस्टेक था, इस कारण से गड़बड़ हो गया। प्रिंट डायरेक्ट क्लोज करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, हाई लिखा हुआ आ गया। मतलब जो हम पैथन के अंदर, जो WS के अंदर जो प्रोग्राम करते हैं, उस प्रोग्राम को डायरेक्ट यहीं पे चला के देख सकते हैं। यहीं पे हम पैथन की जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम डायरेक्ट कर सकते हैं पावर सेल के अंदर ही। लेकिन आपकी प्रोग्राम स्टोर नहीं होगा, ये वन टाइम के लिए होगा। नेक्स्ट टाइम जैसे आप इसको करेंगे, आप जो है दोबारा सारी प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। जैसे इसको बंद करेंगे तैसे आपको दोबारा से प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। तो वापस पैथन पे आते हैं, हमने यहाँ पे first.py का फाइल हम ऑलरेडी बना चुके हैं। इसमें आप चाहो तो और भी फाइलें बना सकते हो। यहाँ प्लस का साइन दिख रहा है, न्यू फाइल क्लिक कीजिए। और यहाँ पे मान लीजिए मैं बना रहा हूँ ML.py, PI एक्सटेंशन है, तो हम ML.py का फाइल हमने बना दिया। अब बात करते हैं मॉड्यूल्स के ऊपर। जैसे कि मैंने लिखा इम्पोर्ट OS, एंटर प्रेस कीजिए। ये आपका OS इंपोर्ट करेंगे तो ये डायरेक्टली आपका इंपोर्ट OS हो जाएगा। अब इसको रन कीजिए यहाँ से, तो रन करने पे आपको यहाँ पे कोई एरर नहीं दिखा। कोई एरर नहीं दिखा कि OS को इसने एक्सेप्ट कर लिया। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंपोर्ट फ्लैग्स, एंटर मारिए। अब मैं इसको रन करूंगा तो यहां पे एरर दे रहा है, तो मॉड्यूल फाउंड एरर, क्योंकि फ्लैग्स नाम का कोई एरर है ही नहीं। फ्लैग्स नाम का कोई मॉड्यूल है ही नहीं, यहां भी सेम आ रहा है। तो ऐसी प्रॉब्लम क्यों हुई? क्या है ओवेस, क्या है फ्लैग्स, क्या है और भी कितने हैं? एक टेंस फ्लो होता है, और इसके बाद एक आपका मॉड्यूल में आपका कई सारे मॉड्यूल्स होते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन आखिर ये मॉड्यूल होता क्या है पहले इसके बारे में जान लें। देखिए, मॉड्यूल जो होता है सेट ऑफ प्रोग्राम होता है। मतलब कि आपने मान लीजिए आपने कोई प्रोग्राम बनाया, कोई किसी तरह का प्रोग्राम आपने बनाया, और अगर आप उस प्रोग्राम को किसी को देना चाहते हैं तो उसको मॉड्यूल में आप एक्सट्रैक्ट करके देंगे, या किसी ने आपको प्रोग्राम बना के दिया तो उसको आप इंपोर्ट करेंगे अपने मॉड्यूल्स के अंदर। जी हाँ, इंपोर्ट करेंगे।
तो सेट ऑफ द प्रोग्राम होता है, तो ये जो ओएस है ये डिफॉल्ट सिस्टम में बने बनाए मॉड्यूल होते हैं, इसे जब मैंने रन किया तो ये एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन ये आपका जो फ्लैग्स है और भी बहुत सारे जो होते हैं वो नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये है तो पावर बी पायथन का ही पार्ट है, बट हमारे सिस्टम में भी इंस्टॉल नहीं, हमें इसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो सिस्टम में इंस्टॉल क्या करें? अब सिस्टम पे ही इंस्टॉल करने का काम जो है वो आपका क्या करता है? पिप करता है। तो नीचे आप टेस्टिमोनियल में आइए, नीचे टेस्टिमोनियल में, और यहां पे लिखिए पिप इंस्टॉल, इंस्टॉल FLAG फ्लैग, सिंपल सा, और इसको यहां से रन कर, एंटर मार दीजिए। या राइट, सॉरी, फ्लैग्स होता है, फ्लैग नहीं होता है। या देखिए डाउनलोड कर रहा है, स्पेलिंग मिस्टेक था, फ्लैग्स था, फ्लैग दिया था मैंने, तो इसने कंप्लीट कर दिया। यहाँ पे देखिए सक्सेसफुली इंस्टॉल दिखा हुआ रहा है। तो मतलब अब मैं ऊपर में अपने इसमें जाऊंगा, अब मैं इंपोर्ट फ्लैग को रन करूंगा, तो अब मेरे पास यहाँ एरर नहीं आएगा, नहीं एरर है, एरर बिल्कुल एरर नहीं आएगा, नहीं आया एरर। क्यों? क्योंकि तो मेरा ए जो ये है, मतलब कि मेरा जो मॉड्यूल है हमने इंटरनेट से डाउनलोड, अब देखिए इंटरनेट से डाउनलोड हुआ है, यहाँ देखिए डाउनलोड लिखा हुआ है। सो आपको ये पता होना चाहिए कि हमें इसको डाउनलोड करना है, अगर आपको डाउनलोड नहीं कर पाएंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि डाउनलोडिंग के लिए चाहिए इंटरनेट और इंटरनेट आपके पास होना चाहिए। देखिए मॉड्यूल जो है वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं। पहला होता है बिल्ट इन मॉड्यूल, जैसे कि ओएस हमारा बिल्ट इन मॉड्यूल था, ओएस होता है, एबीसी होता है, एक इसमें एबीसी मॉड्यूल भी होता है। दूसरा होता है एक्सटर्नल मॉड्यूल, एक्सटर्नल मॉड्यूल जैसे कि फ्लैक्स हो गए, टेजर शो हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें आपको देख सकते हैं। इसमें जैसे फर्स्ट डॉट कॉपी में आप देखेंगे यहाँ आपको इम्पोर्ट पांडाज, तो पांडा जी, क्योंकि हमने इसकी मदद से दो फाइल को हमने कंबाइन कराया था, तो पांडाज भी एक मॉड्यूल है। तो अब कुछ पब्लिक मॉड्यूल होते हैं जो कि आप डायरेक्ट इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, दूसरा जो एक्सटर्नल मॉड्यूल होता है वो क्या होता है, वो आपका सिस्टम जनरेटेड होता है, मतलब कस्टमाइज होता है, जैसे किसी ने आपको दिया तो आप उसके एक लोकेशन में डाल के फिर उसको इम्पोर्ट कर सकते हैं, या आपने किसी को दिया तो वो इंपोर्ट कर सकता है। तो ये इंपोर्ट का मॉड्यूल का होता है। एक है आपका फ्लक्स, फ्लक्स एंड एक आपका आता है टेंस, टेंस, टेंस फ्लो, या टेंस फ्लो होता है, तो वो मॉड्यूल होता है। इन दोनों के बारे में बात करें। अब हम बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट चीज की कि आपको किस तरह से आप जो है किस तरीके से कमेंट लिखेंगे। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया, मुझे यहाँ पे लिखना है सिस्टम, यहाँ पे हमने हैश कोड लगाया और लिख दिया कि सिस्टम स्टोर मॉड्यूल। अब जो सिस्टम स्टोर मॉड्यूल है इसको सिस्टम कोड नहीं समझेगा, जी हाँ इसको कोड नहीं समझेगा, क्योंकि मैंने हैश की लगा दिया तो इसको कोड नहीं समझेगा, डेड हो गया, मतलब कि यहाँ इसको कमेंट हो गया। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 बार सिंगल कोड लगा दिया, और इसके बीच में भी हम लिख सकते हैं, यहाँ मल्टीपल लाइन ले सकते हैं कि दिस इज फाइनल कोड फॉर डेटा, नीचे हमने यहाँ पे डाल दिया डेटा 1 एंड डेटा 2, एक कमेंट हो गया।
तीन लाइन से लिखा हुआ कमेंट होता है, जब इसको हम रन करेंगे तो एक्सेल जो है इसको रीड नहीं करेगा, सॉरी माफ कीजिएगा, पायथन इसको रीड नहीं करेगा एज ए कोड। तो हम इसको कमेंट में इस तरह से लिख सकते हैं। तो आज हमने मॉड्यूल्स के ऊपर डिस्कस की, हमने बात की कमेंट्स के बारे में, हम डायरेक्ट पावर सेल पे कैसे पैथन के कोड रन करेंगे इसके बारे में बात की। अगले वीडियोज में हम बात करेंगे कुछ छोटे छोटे माइक्रोज, छोटे छोटे हम कोड्स को रन करेंगे और आपके साथ डिस्कस करेंगे।